सो हे गाइस, दिस इज योर बॉय निकेत एंड वेलकम टू मन अदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में आपके लिए यूट्यूब्स का अपडेट लेके आया हूँ। जो अपडेट्स आते रहते हैं, इस महीने भी आए हैं जुलाई में, तो हर मंथ के एंड में मैं आपके लिए ऐसी अपडेट लाता रहूँगा जो पूरे मंथ में अपडेट्स आए हैं। तो मेरे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको मेरे अपडेट्स मिलते रहें। तो हमारे यूट्यूब का जो अपडेट्स हैं इस बार, वो बहुत ही गजब के अपडेट आए हैं, जो कि यूट्यूबर्स को काफ़ी फ़ायदा होगा इन अपडेट से। जो एक अपडेट तो कुछ ऐसा है जो आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा, जिन जिनकी लोगों की मोनेटाइजेशन ऑन है उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो सबसे पहले जो अपडेट है वो है YouTube बीटा का। जी हाँ, आप स्टूडियो में जब भी कोई अपनी वीडियो अपलोड करते हैं YouTube वीडियो, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर प्रोसेसिंग चलती रहती है। आप वीडियो अपलोड कर देते हैं, उसके बाद आप अपनी वीडियो खोल के देखते हैं दूसरी आईडी से या ईमेल जो भी है, फिर वहाँ पर आप देखते हैं कि आपकी किस रिजोल्यूशन में या फिर कितनी क्वालिटी में आपकी वीडियो यूट्यूब पे शो हो रही है। तो वहाँ पे आपको वीडियो चला के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप वीडियो अपलोड कर रहे होंगे तो नीचे आपका लिखा आ जाएगा कि कितनी आपकी क्वालिटी रिजोल्यूशन वीडियो की दे रहा है यूट्यूब पे आपकी वीडियो कितनी रिजोल्यूशन दिखाई जाएगी, आपको पहले ही पता चल जाएगा जब आप वीडियो अपलोड कर रहे होंगे प्रोसेसिंग के टाइम पे ही नीचे लिखा आ जाएगा। फिर जो हमारा अगला अपडेट है वो है कि कुछ दिनों पहले कोरोना वायरस की वजह से जो हमारा नेट का ट्रैफिक इतना बढ़ गया था, तो YouTube ने क्या किया था, जो क्वालिटी लिमिट थी वीडियोस की वो 48p तक लिमिट कर दी थी। मतलब उससे ज़्यादा आप क्वालिटी पे वीडियोस नहीं देख पा रहे थे, पर अब क्या है कि वो लिमिट हटा दी गई है। अब आप 1080p तक वीडियोस देख सकते हैं अपने वाईफाई कनेक्शन पे। शायद मोबाइल कनेक्शन पर भी आप नहीं देख पाएंगे, सिम से जो आपका कनेक्शन होता है वो नहीं देख पाएंगे, पर वाईफाई कनेक्शन पर आप ज़रूर देख पाएंगे 1080p पे। ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, जो क्वालिटी कम हो गई थी वो वापस आ चुकी है, तो आप अपनी वीडियोज़ वापस उसी क्वालिटी पर देख पाएंगे। जो हमारा अगला अपडेट है वो ये है कि बीच में हमने देखा था कुछ लोगों के जो वॉच टाइम थे वो डिलीट हो गए थे, या कम दिखा रहा था, या कुछ इशू चल रहा था वॉच टाइम को लेके। तो यूट्यूब ने इस बात में क्लियर किया है कि जो वॉच टाइम की थी वो कुछ एरर था, ग्लिच चल रहा था, अब वो ठीक कर दिया गया है, ठीक हो जाएगा। तो उसमें दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, सबका वॉच टाइम वैसे ही वापस आ जाएगा। जो वॉच टाइम की प्रॉब्लम थी वो अब सॉल्व हो जाएगी और आपको प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है, वापस आपका वॉच टाइम वैसे ही शो होने लगेगा। जो हमारे अगला जो अपडेट है यूट्यूब का वो है, क्या नोटिस किया होगा, जब भी आप अपनी YouTube वीडियो अपलोड करते हैं उसके बाद हम देखते हैं वीडियो को, तो क्या होता है कि जब आप देखते हैं 10 मिनट की वीडियो के बीच में आप ऐड डालते थे, तो उस ऐड में जैसी वीडियो चल रही होती थी अचानक से ऐड आता था बीच में पॉपअप करके और ऐड शुरू हो जाता था। पर अब वो अपडेट आया है कि ऐड आने के 2-3 सेकंड पहले साइड में टाइमर चलना शुरू हो जाएगा, 2-3-1 करके आपका ऐड अब आने वाला है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि वीडियो में ऐड है, बीच में एकदम से पॉपअप नहीं होगा। तो ये भी एक नया अपडेट यूट्यूब ने दिया है, तो ये भी एक नया अपडेट है। जो हमारा लास्ट अपडेट है वो बहुत ही बेहतरीन है, और यूट्यूबर्स के लिए जिनकी मोनेटाइजेशन ऑन है उनके लिए तो बहुत ही फ़ायदे वाली बात है। जो आप क्या करते थे पहले कि 10 मिनट की एक वीडियो में हम ऐड लगा सकते थे बीच में, एक शुरुआत में बीच में जैसे आप जाना चाहें वो लगा सकते थे, पर 10 मिनट की वीडियो में ही वो आप ऐड लगा सकते थे अपनी मर्जी से। पर अब वो टाइम 10 मिनट से रिड्यूस करके 8 मिनट कर दिया गया है, मतलब 8 मिनट की वीडियो में भी बीच में ऐड लगा सकते हैं। तो ये बहुत ही फ़ायदे वाली बात है, पहले लोगों को 10 मिनट की वीडियो में ही ऐड लगाने का ऑप्शन मिल रहा था, पर अब 8 मिनट की वीडियो में भी ऐड लगाने का ऑप्शन मिल रहा है। पहले आपको थोड़ी दिक्कतें थी, अब वो दिक्कत दूर हो चुकी है। अब आपकी सोचिए अर्निंग कम से कम 3 गुना अर्निंग आपको होगी, क्योंकि आपके हर वीडियो में अब ऐड आ जाएंगे जो आपकी 8 मिनट की होगी एटलीस्ट कम से कम। और ज़्यादातर वीडियो 8 मिनट की होती है, 10 मिनट की वीडियो लोग बहुत कम बनाते हैं। आप 8 मिनट की वीडियो में भी ऐड ला सकते हैं और ये बहुत ही फ़ायदे वाली बात है। तो आप 8 मिनट की वीडियो में लगा सकते हैं और इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा जिन लोगों की मोनेटाइजेशन ऑन है। तो ये थे कुछ अपडेट्स जो YouTube ने अपडेट्स दिए हैं अभी कुछ दिनों में ही, मतलब जुलाई में जो अपडेट्स आए हैं या जून के कुछ आधे से अपडेट्स आए थे, तो मैं सारे अपडेट्स आपको बता दिए हैं। जैसे अपडेट अगले आएंगे मैं आपको फिर से बता दूंगा। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर माई रेगुलर अपडेट्स।